जनता ने अब पुनः विश्वास कर लिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर, और इसी वजह से वो संदेश दिया है कि अब समाजवादी पार्टी ही। नमस्कार, प्रणाम, सस्त्रिया का लदाप बोल लगा तनी। हमार नाम भाई अमित प्रताप मिश्र, हम पहुंचल बाड़ी जनपद संत कबीर नगर के धनघटा में। आपके बतावत अटे कि आप अभी देखली है कल वाला रिजल्ट घोसी में, घोसी विधानसभा में उपचुनाव होता है, जोने में समाजवादी पार्टी का साइकिल बहुत तेज दौड़ल। आपके दिखावत अटे कि समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ नेता एवं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष संत कबीर नगर पूर्व में रहे रामवृक्ष यादव जी, सर नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। घोसी में तो साइकिल बहुत तेज भैया दौड़ा, साइकिल तो जनता ने ऐसा तेज दौड़ा दिया जी कि जिसका कोई सीमा नहीं है। और निश्चित तौर पर ये संदेश घोसी के लिए नहीं है, पूरे देश और प्रदेश के लिए है कि जुमलेबाजी नहीं चलेगी, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा और कम करना पड़ेगा। और वो कम कर सकती है समाजवादी पार्टी, क्यों कि समाजवादी पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, इसलिए जनता ने अब पुनः विश्वास कर लिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व पर, और इसी वजह से वो संदेश दिया है कि अब समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज में समरसता, भाईचारा, बेरोजगारी कम करना, महंगाई कम करना और तमाम जो हमारे सामने समस्याएं हैं उसको उससे निजात पाने के लिए ही समाजवादी पार्टी ही उपयुक्त है, इसलिए समाजवादी पार्टी। वहीं देखा गया घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर जी आपके गठबंधन के साथी भी रहे, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी यहाँ से हम हराएंगे नहीं, अपने बाप के औलाद नहीं है अगर समाजवादी पार्टी। देखिए, इस तरह की बातें करना बहुत हल्कापन है और हल्के लोग हल्की बात करते हैं। मैं उनका जवाब नहीं, उनका तो एक बच्चा जवाब दे रहा है वहाँ, राम कौन मिहोर यादव, नवरतन यादव, उनका जवाब हम नहीं देना चाहते। वो निश्चित तौर पर दिवालिया हो गए हैं, दिमागी तौर पर हल्के हो गए हैं, और वो ऐसे लोग जैसे यहाँ डॉक्टर संजय निषाद हैं, राजभर हैं, ये अपने समाज के लोगों को दिग्भ्रमित करके इनके वोट को बेचने का काम कर रहे हैं। और जनता ये जान चुकी है कि ये वोट बेचने का काम कर रहे हैं, लोग वोट बेचवा हैं। और ये राष्ट्रीय नेतृत्व जिस पार्टी में जाते हैं वहाँ राष्ट्रीय नेतृत्व को अपना खाका दिखाते हैं कि हम इतने राजभर हैं, हमको इतना चाहिए, हम इतने निषाद हैं, हमको इतना चाहिए, ये स्थिति लोगों की है। उसी विधानसभा में ये भी देखा गया है कि लोग बताए हैं कि आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 और इंडिया बनाम इंडिया, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया में जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी के, अन्य जो हमारे दल के राष्ट्रीय नेता हैं, सब लोग बैठकें कर रहे हैं, आप देख भी रहे हैं। और हम अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो इस पर पहल, बड़ी मजबूती से पहल कर रहे हैं। निश्चित तौर पर समय की पुकार है और इसमें जो भी निर्देश होगा अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का उसको हम लोग पालन करेंगे। क्या इंडिया और इंडिया का जो घोसी विधानसभा में जो रिजल्ट आया है, क्या ये सेमीफाइनल माना जाएगी क्या है? निश्चित तौर पर ये तो संदेश जनता ने दे ही दिया है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी नहीं चलेगी और जनता इनसे ऊब चुकी है। और क्या कहेंगे आप लोकसभा बांसे संत कबीर नगर घोसी के जनता को? देखिए, खलीलाबाद की जनता महान जनता है, मैं इनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। यहाँ संघर्षशील लोग हैं, नौजवानों की अच्छी एक फौज है यहाँ, जो हमेशा अत्याचार, अन्याय, शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़े हैं लोग पिछले विगत दिनों। और हम फिर उसी तरह से जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोगों के बीच में दौड़ा करके लोगों के लिए काम कर रहे हैं और एक ऐसा मजबूत संगठन बना रहे हैं नौजवानों का, जो इस क्षेत्र में कहीं भी किसी भी तरह का कोई सामंतवादी या पुलिस के लोग या प्रशासन और शासन के लोग किसी के साथ जास्ती करेंगे। निश्चित तौर पर हम संगठित होकर के उनका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे।